तो भाई लोग आज के इस वीडियो में आपको इस टाइप के क्लचेस देखने मिलेंगे। ये तो था अपना पहला क्लच, अभी अपन अपने दूसरे क्लच की तरफ चलते हैं। तो भाई मेरी बिल्डिंग के नीचे दो बंदे तगड़ा वाला कैंप कर रहे हैं। अब देखो तुम्हारा भाई शॉटगन से इनको कैसे पेलता है। तो भाई शॉटगन से मैंने इन बंदों का दब दब तो कर दिया, अब बारी है दूसरे बंदों की। सो गाइस अभी मैं यहाँ पे 1v6 क्लच करने वाला हूँ, मजा आएगा आपको देख के। तो भाई इन बंदों को मारने के बाद लेफ्ट वाले बंदे भी मेरे पे पुश कर देते, और अब देखना तुम्हारा भाई इनको कैसे दब दब देता है। ओके गाइस आप एक बार मेरा ये हैकर वाला स्प्रे देखना भाई। गाइस कमेंट करके जरूर बताना स्प्रे आपको कैसा लगा। और फिलहाल तो अभी अपन चलते हैं अपने अगले क्लच की तरफ। तो ऊपर से जो एक ग्लेशियर वाला बंदा अपना किल चोरी करने का ट्राई कर रहा था ना, इसके एक टीममेट को अपन नॉक करते एंड फटाफट इस पे भी पुश कर डालते। और अब बचता है वो ग्लेशियर वाला बंदा, और इस बंदे को ना भाई मैं खतरनाक वाला AWM शॉट दूंगा। और फिर इसी मैच में गाइस लास्ट के दो बंदे बचे होते हैं एंड मेरे पास होती है डबल स्नाइपर। क्या लगता है गाइस मैं क्लच कर पाऊंगा? इजी पीजी ब्रो। awesome. तो अभी मैं जा रहा हूँ स्कूल अपार्टमेंट्स एंड भाई यहाँ पे फिर से मेरी दो स्क्वाड्स के साथ फाइट होने वाली है। तो इन दोनों को नॉक करने के बाद मैं इन दोनों को फिनिश कर ही रहा होता हूँ, उतने में भाई एक बंदों से भरी USZ मेरे पे पुश कर देती है, और अब देखो क्या होता है। तो भाई इन सब को दब दब देने के बाद अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्लच की तरफ जो कि फेस कैम के साथ होने वाला है। ओके तो गाइज अपना अगला क्लच होने वाला है पोचिंकी के बर्न हाउस पर। चलो भाई लोग अभी मैं आपको एक मस्त वाला स्नाइपर शॉट दिखाता हूँ। भाई बॉडी शॉट खाने के बाद बंदा पीक ही नहीं करता, तो फिर क्या यार मैं निकल पड़ता हूँ स्नाइपर लेके इस पे रश करने के लिए। सो गाइस अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना एंड यार प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं इस टाइप के और वीडियोस डालूं या फिर ना डालूं। बाकी मिलते हैं गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।